वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत बलदियाती निज़ाम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने नए बलदियाती निज़ाम को 48 घंटों में हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी है। इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे कज़ाफ़ी बट से। कज़ाफ़ी, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल जी, अबूरी मंजूरी वजीर आजम ने दे दी है और हतमी शक्ल के लिए 48 घंटे दिए गए हैं कि 48 घंटों के अंदर इसको मसवदे को हतमी शक्ल दे दी जाए और अक्टूबर में होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में इस मसवदे को जो है मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। और इस इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम का ये कहना था कि लोकल बॉडीज निज़ाम का ऐसा निज़ाम मुतारफ करवाया जा रहा है जिससे अवामी नुमाइंदे किसी भी सतह पर ब्लैकमेल ना हो सकें और वह तमाम तर तवज्जो अवाम की फलाह पर मरकूज रखें। उनका ये कहना था कि माजी में जमहूरी निज़ाम में एक बड़ा मसला ये था कि मेम्बरान पार्लियामेंट की तवज्जो कानून साजी पर कम और इख्तियारात और फंड्स के हसूल पर ज़्यादा रही है, लेकिन हम ऐसा निज़ाम ला रहे हैं जिससे एक नई लीडरशिप ऊपर आएगी और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली होगी। ये इजलास खत्म हो चुका है और अब वजीर आजम की सदारत में सूबाई काबीना का जो है इजलास जारी है जिसमें पीटीआई हुकूमत के पहले 100 दिन के एजेंडे पर होने वाली पेशरफ पर जो है उसका जायजा लिया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया कज़ाफ़ी बट।